जिला कारागार आगरा में कल्याणम फाउंडेशन के द्वारा महिला कैदियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारागार व होमगार्ड मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति रहे। उन्होंने 5 महिला कैदियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया व 1 बच्ची राधिका का जन्मदिन भी मनाया। कल्याणम फाउंडेशन की अध्यक्ष ने बताया कि हम लगातार 4 वर्ष से जेल में महिला बंदियों को उनके हुनर के अनुरूप काम देकर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं और इसके लिए अच्छे अच्छे कार्य के लिए मानदेय देकर उत्साहित किया जाता है। देखिए, कल्याणम फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ महिलाओं को जो कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है और जो महिलाओं ने उत्कृष्ट काम किए हैं उन 5 महिलाओं को पुरस्कार देने की इनकी योजना थी और महीनों से कार्यक्रम की योजना थी, लेकिन मेरे पास समय का अभाव था। आज कल लखनऊ से आना हुआ, फिर आज माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी का जन्मदिन था, मैं दिल्ली उनको बधाई दे करके जन्मदिन मिल करके और यहाँ तुरंत सीधा यहाँ ही आया हूँ और मैंने देखा है कि महिलाओं के जो बनाए हुए आइटम हैं बहुत ही सुंदर हैं और जैसे मैंने और भी कई जेलों में देखा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की कि बहुत सी जेलों में शिल्पकार हमारे कैदी हैं, उनकी प्रतिभा 4 दीवारी के बंद है, 4 दीवारी के बीच वो बाहर आए और बाहर आम जनता भी देखे कि कैदी भी क्या क्या बनाते हैं। कई जेलों में पेंटिंग, इतने पेंटर हमारे कैदी इतने बढ़िया है, ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई है। लखनऊ में मैंने देखा दीवार पे एक पेंटिंग बनाई है, वो ऐसा लगता है उभर के आ रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि MEC के साथ बात करिए, हम लोग बात करेंगे। और उसी दिन से सभी उत्तर प्रदेश के जनपदों में MEC के माध्यम से ट्रेनिंग की व्यवस्था हो रही है और मार्केटिंग की व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। सभी जेलों में हमने निर्देश दिया है कि जहाँ जगह है जेलों में वहाँ आउटलेट की व्यवस्था हो और महिला हो पुरुष हो, उनके द्वारा अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उस आउटलेट पर रख करके जनता के बीच में लाया जाए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप इसमें सहयोग करेंगे तो हमारे महिला पुरुष बंदियों का जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं जनता के बीच में आपके माध्यम से जाएगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और कुछ उनका इनकम का स्रोत बढ़ेगा, ऐसा मेरा अपना विचार है। मंत्री जी, आज जन्मदिन बच्ची, देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।